हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। फ्रेंड आज मैं बताने वाले हैं आपको ट्राउजर की कटिंग, ठीक है फ्रेंड? तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे ट्राउजर की लंबाई 35 इंच, जो हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, और 27 इंच इसकी कमर है, 33 इंच इसकी हिप है, और 16 इसका घुटना है, और 10 इसकी मोहरी रहेगी फ्रेंड, ठीक है। सबसे पहले लंबाई हम करते हैं, लंबाई देखते हैं। 35 इंच लंबाई है इसकी, तो 35 इंच पर हम निफान लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड, और 2 इंच एक्स्ट्रा इसको रखेंगे नीचे मार्जिन मोड़ने के लिए, ओके फ्रेंड। अब इसकी हिप है 33, सवा 8 इंच पर निफान लगाएंगे और 2 इंच इसमें ऐड करेंगे, 2 इंच प्लस कर दिया ये, ठीक है फ्रेंड। अभी हमारा कितना हो गया, ये हमने जो निकाला है लटक निकाली इसकी ट्राउजर की, 10 इंच होगी, ठीक है फ्रेंड। अब इसको इस लंबाई तक देखेंगे, ये हमारा हो रहा है 24, 38 24, यानी 3/4 निकाली हमने, तो 38 24 हो जाएगा। यहाँ पे मेरा 8 का निशान आ जाएगा घुटने वाला, ठीक है फ्रेंड। अब हम इसको सीधा करेंगे जो हमने निशान लगाए हैं, ये हमने निशान लगा के रेडी कर लिए, ठीक है। अब इधर जो होता है ना, ये जो पट्टी हम अपने तरफ रखते हैं उसे 1/2 इंच मार्जिन में जो सिलाई लगती है उसे निकाल के रखते हैं साइड, क्योंकि ये छट जाता है, इतना छटना होता है ना, छट जाता है साइड से, एक्स्ट्रा कपड़ा होता है। तो इसके 33 थी जो हमने यहाँ से जो किया था, वो ही इस साइड से हमें करना है। इसको सवाट पर पहला निशान लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड। फिर 1 इंच का निशान इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें कमर निकालनी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। ये हमने कमर वाला निशान लगा दिया फ्रेंड। अब 2 इंच का इसमें मार्जिन देंगे, ये हमने एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है, ठीक है फ्रेंड। अब जो हमने यहाँ से कमर निकाली है, यहाँ से इसको देखेंगे कितना हो रहा है, ये 9.5 हो रहा है। इसको पकड़ेंगे, इसको हम आधा करके यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब इसको देखते हैं कितना ये हो रहा है, ये 4.1 हो रहा है। अब 4.1 पे 4.5 हो रहा है, 4.5 पे हम यहाँ पे भी निशान लगाएंगे और 4.5 पे यहाँ पे भी निशान लगाएंगे, ठीक है। इससे हम निकालेंगे अब मोहरी, जो हमारी मोहरी है 10 इंच, 10 को हम 2.5 इधर निशान लगा देंगे इसी बीच के सेंटर से, और 2.5 इधर लगा लेंगे, ठीक है फ्रेंड। अब हमें निकालनी है इसकी घुटना, घुटना मेरा 16 था, तो 4 ये बीच के सेंटर से ही हम 4 इधर निशान लगाएंगे 4 इंच का, और 4 इंच का इस साइड से निशान लगाएंगे। ये फ्रेंड मेरा घुटना निकल के रेडी हो गया, ठीक है। अब स्केल की मदद से हम इसको सीधा कर लेंगे निशान को, पेंट पेपर की मदद से। इसमें हम पेंट पेपर रखते हैं, पेंट सीधा स्केल चलता नहीं इसमें, क्योंकि शेप देना पड़ता है हमें पेंट का, क्योंकि ट्राउज़र कट रहा है इस वजह से। ये हमारा शेप हो गया पेंट, अब यहाँ पे हम सिलाई देते हैं, ठीक है पेंट करते हैं कटिंग। फ्रेंड्स हम ये निशान लगा लेंगे, जो हमारे 3 निशान लगते हैं, घुटने का और ये मोहरी का और ये हिप वाला, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें हम ऊपर रखेंगे लास्टिक के लिए फ्रेंड्स 2.5 इंच, ये हमने 2.5 पर निशान लगा लिया। अब 2 इंच का इसमें मार्जिन रखेंगे, यहाँ पे भी 2 इंच का मार्जिन रखेंगे हम फ्रेंड इसमें भी हम 2 इंच का पूरे नीचे तक मार्जिन रखते हैं ट्राउजर में, और इसको यहाँ पे सीधा कर देंगे, और इसको यहाँ पे सीधा कर देंगे, जो हमने 2.5 इंच का निशान दिया है ऊपर। ये जो हमने निशान रखा है फ्रेंड्स, ये हम इसमें लास्टिक पड़ेगी और इसमें जॉइंट होगी, वो बेल्ट जॉइंट हो जाएगी बकरम की। अब इसको हम सीधा कर देंगे सेपर की मदद से, ये निशान हमारे लग के रेडी हुए। इसमें भी हल्की यहाँ से राउंड देंगे गुलाई,
फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखना है, पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल आरएन बुटीक को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और कमेंट में बताएं आपको कटिंग कैसी लगी है। प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन जो हम कटिंग डालेंगे उससे आपको से रिलेटिव आपको वीडियो मिलती रहेगी। फ्रेंड मेरी पूरी वीडियो देखना है तभी आपको कटिंग समझ में आएगी ट्राउजर की। बहुत इजी तरीका है काटने का और फिटिंग भी बहुत परफेक्ट आती है, क्योंकि मेरी शॉप पे जितने कस्टमर आते हैं सारे कस्टमरों के ट्राउजर हम इस तरीके से ही काटते हैं। फ्रेंड्स ये हमारी कट के रेडी हो गई। अब हमें ये जो हमने निशान लगाया था यहाँ पे हमें प्लेट के लिए भी ये बीच में जो मार्क लगाया था ये वाला, इस पे ही हम प्लेट डालते हैं मार्जिन के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, आर एन बुटीक नाम से मेरा चैनल है, जिसे मेरे वीडियो की आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। थैंक यू।